हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही तगड़ी गाड़ी, जिसका नाम है डिफेंडर। लैंड रोवर की ये गाड़ी है और ये आती है हमारी 2000 सीसी में। भाई गाड़ी देख के आपको पता लग गया होगा कि आज थोड़ा सा दमदार वीडियो होने वाली है। ये गाड़ी की भाई हाइट देख लो आप, मुझसे भी ऊपर जा रही है। मैं 5'11" हूँ और इसमें बैठना ना भाई बहुत कसरत का काम है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक ढूंढी है कैसे बैठना है। आप ऐसे चढ़ो और ऐसे बैठो, बहुत ही तगड़ी फील है भाई। और भाई बहुत ही तगड़ी प्रेजेंस है इसकी, सामने अपना क्लस्टर पूरा डिजिटल आ जाता है। बहुत ही तगड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आईपैड लगा दिया हो यहाँ पे। होल्डिंग के लिए हमें बहुत सारा बढ़िया इसमें ग्रिप दी हुई है, यहाँ से हम होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। भाई इसका जो सबसे बढ़िया फीचर है ना, मुझे यही लगता है, हाइट ऊपर जा रही है। कहीं ऑफ रोड कर रहे हो इस गाड़ी के साथ तो आप इजीली अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रॉक पे चलानी हो, रिवर में चलानी हो। और भाई रिवर में इसकी डेप्थ आपको 50% तक जिसे डीप अंदर पानी के लेके जा सकते हो इस गाड़ी की हाइट के अकॉर्डिंग। तो भाई इसके ह्यूज बोनेट से आपको पता चल गया होगा कि भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा बॉक्सी लगती है और माचो लगती है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मैट फिनिश यहाँ पे डाला हुआ है, वो इसलिए डाला हुआ है ताकि कभी आप कैंपिंग के लिए या सफारी के लिए जाते हो तो आप अपना मग यहाँ पे होल्ड कर सकते हो तो वो स्लिप नहीं होगा। साथ में आप इस पे खड़े हो सकते हो और आपके बोनेट पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। भाई पूरा व्यू मिलता है जब हम इसमें गाड़ी में बैठ के देखते हैं और देख रहे हो भाई क्या प्रीमियम ब्लैक कलर, तो भाई जानलेवा कतई एकदम बेहतरीन। और भाई हाइट देख रहे हो आप इसकी, मेरी 5 उंगली आराम से घुस गई हैं इसमें। ये लेडर की हम की लाना भूल गए हैं, जिन भैया की ये गाड़ी है उनके घर पे रह गई है। तो 1,20,000 की ये लेडर पड़ती है हमें। ये एक बार खुलने के बाद आराम से इजीली आप छत पे चढ़ सकते हो अगर आपको व्यू लेना हो, आसपास सफारी में गए हो आप कहीं पे और आप फोटो सेशन करा सकते हो अपना। भाई बहुत ही प्यारा बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। अभी तो हमारा इसमें सामान पड़ा हुआ है और इसके नीचे भी हमें यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाती है, बढ़िया स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में हमारा यहाँ पे जैक वगैरह मिल जाएगा, मतलब फुल सॉलिड मटेरियल है। साथ में हमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फीचर मिलता है, अगर हम जैसे कहीं भी खड़े हैं और हमारी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो हम इससे अपनी गाड़ी का हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में हमें कुछ हैंग करना है तो हम इन हुक्स पे हैंग कर सकते हैं, ये बोथ साइड हमें मिल जाता है। ये भाई हमें स्टेपनी देखने को मिल जाती है इसमें और भाई बहुत ही प्यारी इसकी बैक लाइट है, मतलब कि देख रहे हो कितना फ्लैट लुक दिया हुआ है, ऐसा किसी भी एसयूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीछे से पूरी फ्लैट आपको इसका बैक मिलेगा, बॉक्सी इसका लुक मिल जाता है, बिल्कुल एकदम माचो लुक है इसका। और साथ में आप ये देख सकते हो इसके फुटरेस्ट बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और साथ में ये वाला लगवाने का बेनिफिट ये रहता है कि जब भी आप कहीं भी किसी कोजी सिचुएशन में गाड़ी को चला रहे हो तो डर रहता है कि कहीं आपके डोर्स पे कोई डैमेज ना आ जाए, तो उन डैमेज को ये बहुत इजीली बचा लेते हैं। और भाई चढ़ने के लिए तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है चढ़ने के लिए। भाई इजीली आप उतर चढ़ सकते हो इससे। और मैं आपको इसके बैक का सिटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको 2 हैंडल मिल जाएंगे चढ़ने के लिए। और भाई मैंने आगे वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, तब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है। भाई बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है इसकी, भाई बहुत ही प्यारा यहाँ का फील है, आर्मरेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपको 3 लोगों को ट्रैवल करना है तो यहाँ इजीली आप बैठ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और लगभग फ्लैट सरफेस है नीचे जो यहाँ पे और कंफर्ट को बढ़ा देता है। हम ऐसे चलाएंगे भाई क्योंकि हम इसमें 4 ही लोग ट्रैवल करेंगे अगर हम इसमें करेंगे तो। भाई बहुत ही प्यारी सनरूफ देखने को मिल जाती है, बहुत ही ह्यूज साइज है सनरूफ का। और साथ में ये यहाँ पे जो छोटी सी विंडो दी हुई है ना भाई, ये इसको बहुत एनहेंस कर देती है। ये बेसिकली सफारी में यूज़ करा जाता है, जैसे कोई जानवर बड़ा जानवर होता है और हम उसे ऐसे नहीं देख पाते तो हम इजीली इससे देख सकते हैं उसकी एक छोटी मोटी झलक। तो भाई पीछे की सीट बैठ के बेहतरीन, बस एक मुझे एक इसमें डीमेरिट लग रहा है कि पीछे इससे ज़्यादा जाती नहीं है सीट,
तो जो इसका फिक्स पोजीशन है इसी पे रहती है। तो भाई बैठ गए हैं जहाज में और ये हमें स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें भाई गियर नॉब देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। पार्किंग के लिए इसमें ऊपर अलग से बटन दिया हुआ है जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में हमें सारा एसी कंट्रोल्स और ऑफ रोड कंट्रोल्स, ऑटो स्टॉप स्टार्ट, हिल असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ देखने को सामने मिल जाता है। साथ में हाइट एडजस्टमेंट का हमें सामने ही मिल जाता है। पार्किंग के लिए इसमें कैमरेज में 3D मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। अब देखो जैसे हमारा लेफ्ट डोर खुला हुआ है तो ये हमें शो कर रहा है कि लेफ्ट डोर खुला हुआ है और ये हमें पूरा जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना क्लियर व्यू दिखाता है। ये 3D हमारा मॉड्यूल बना हुआ है और आप इसे किसी भी एंगल से चेक कर सकते हो अपने सराउंडिंग्स को। भाई बहुत ही तगड़ा फीचर लगा मेरे को ये। और अगर हम इसे ऑफ रोड की तरफ ले जाते हैं तो हमें इसमें ये राइट साइड का टायर दिखाता है, यहाँ पे लेफ्ट दिखाता है। लेफ्ट अभी बंद इसलिए है क्योंकि हमारा डोर खुला हुआ है और ये पीछे का सारा दिखा रहा है। साथ में ये हमें दिखा रहा है कि ये चारों टायर एक साथ लॉक हैं, यानी ये 4x4 पे लगी हुई है अभी गाड़ी। प्रीमियम क्वालिटी की इसकी डिस्प्ले आपको देखने, एयर क्वालिटी इसमें ये बताता है, स्लोप असिस्ट हमें बताता है, सारे फोन्स मीडिया सारे कनेक्शन हो जाते हैं। साथ में इनबिल्ट नेविगेशन इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में हमें ये हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, कभी ऑफ रोड हो रहा हो तो आप इसे पकड़ सकते हो और पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा। और ये कुछ सामान रखने के लिए कि बाई चांस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह है छोटा मोटा सामान रख सकते हो। साथ में आप इसकी डेप्थ देखिए भाई, यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, एक USB मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। साथ में भाई सबसे बेस्ट फीचर मुझे इसका ये लगता है, ये है इसका फ्रिज। फ्रिज मतलब कि असली फ्रिज भाई, ये इसमें बटन लगा हुआ है। अब ये फ्रिज इसका स्टार्ट हो गया है। इसमें दो मोड हैं फ्रिज में, एक कूल मोड है और एक सेमी कूल है। वायरलेस चार्जर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे। और भाई यार ये वाला जो स्पेस है ना, मतलब हम इसमें इजीली दो बॉटल्स बड़ी बड़ी इजीली रख सकते हैं। और अगर कुछ बाई चांस सामान छोटा रखते हो और यहाँ से इजीली निकाल लोगे। और सीट ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है ना भाई, अगर बॉडी रोल करना भी चाहे ना तो बॉडी रोल नहीं कर सकती। और हमें यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अच्छा ये SOS सर्विसेज के लिए है, नाइस। और ये अगर फ्लैप हमें बंद करना हो तो हम ऐसे फ्लैप बंद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसके म्यूजिक सिस्टम की। बहुत ही प्यारा इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है मेरिडियन का। तो सबसे हम वही अपना गाना चलाएंगे और वही सुनाएंगे कॉपीराइट से बचने के लिए। भाई बहुत ही प्रीमियम आवाज़ है। साथ में सारे कंट्रोल्स हमें अपने स्टेयरिंग कंट्रोल पे मिल जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा डायल है जिससे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस साइड सारा हमें क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। साथ में हम इंफोटेनमेंट सिस्टम में गाना प्ले पॉज वगैरह सब इससे कर सकते हैं। वॉइस कमांड इसमें मिल जाता है। बस मुझे एक थोड़ा सा जो इसमें अलग लग रहा है, ये एक वाइट जो पार्ट है ना ये जो दिया हुआ है इसमें, वो थोड़ा सा डिसमैच लग रहा है। क्योंकि भले ही इन्होंने कई जगह यूज़ किया है, ये यहाँ वाइट यूज़ है, पीछे बैकग्राउंड में वाइट डिफेंडर के पीछे यूज़ है यहाँ पे जहाँ पे डिफेंडर लिखा हुआ है। साथ में हमें ये गेट के पास भी देखने को मिल जाता है वाइट कलर। बट अगर इसको भी बेज कलर कर देते या सेम ब्राउन लेदर से कर देते या पूरा ब्लैक कर देते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता। बट कोई नहीं, कुछ सोच के बनाया होगा इन्होंने। ये एक मेरा खुद पर्सनल ओपिनियन था। और भाई बहुत ही प्यारी फिनिश दी हुई है इसमें जो बैक मिरर की दी हुई है। बाकी भाई अब टाइम है इसे राइड करने का। मैं बहुत देर से बेकरार था इसे राइड करने के लिए, तो अब मिलते हैं आपको सीधा राइड पे। भाई इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है ना, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा रोड पे जब गाड़ी जा रही है और वो देखता ना हो। एक तो ब्लैक कलर इतना सॉलिड लगता है ना इसमें। और भाई स्टेयरिंग देख रहे हो भाई, कितना ह्यूज स्टेयरिंग है भाई। अलग ही पता चल रहा है कि हाँ ऊंची सी हाइट वाली किसी चीज़ में बैठे हैं। और इतना साइलेंट इसका कैबिन है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। और एसी के वेंट हमें ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी प्लेसमेंट मुझे लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया यूनिक सी करी गई है।
और रेंज रोवर में लैंड रोवर में ज्यादातर यहीं पे होती है। गाड़ी को होल्ड करने के लिए, जैसे आप ऑफ रोड करते हो तो पकड़ने के लिए बहुत सारे हैंडल्स चाहिए होते हैं, तो इसमें यहाँ पे हैंडल्स है, वहाँ पे हैंडल है, ये हैंडल है और यहाँ पे भी हैंडल है। मेरे को राइट बोनट एज दिख रहा है, लेफ्ट बोनट एज भी लगभग दिख रहा है। और भाई प्रेजेंस आप देख ही रहे हो, क्या तगड़ी है रोड पे। 2000 सीसी की ये गाड़ी है, एचएसई मॉडल है ये, और 300 bhp प्रोड्यूस करती है, 400 nm का टॉर्क है इसका। एवरेज की बात इसमें ना करें तो ये अच्छा है, बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो कंपनी क्लेम करती है वो एवरेज करती है 7-8 पर लीटर, क्योंकि मुझे लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से परफेक्ट है एकदम। भाई पूरा इसका हमें डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, राइट साइड में हमें मैप देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड में सारा ट्रिप्स इंफॉर्मेशन आ रही है। भाई मज़ा आ गया, इतनी प्यारी राइड थी ना। जोगिंदर भैया थैंक यू सो मच, तो ऑल क्रेडिट गोज टू जोगिंदर भैया, ये गाड़ी जोगिंदर भैया की है और बड़ी मतलब दिल पे पत्थर रख के देनी पड़ती है भाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ की, ले भाई ले जा तू बना ले वीडियो। भाई सामने से इसके जो हेडलैम्प्स हैं ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हेडलैम्प्स हैं, और जो इसके फॉग लैम्प्स हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए नहीं बनाए हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड किया हुआ है इन्हें। अगर बाई चांस कहीं ऑफ रोड में गाड़ी लग भी जाती है थोड़ी बहुत बम्पर की साइड से, तो हमारे फॉग लैम्प्स डैमेज नहीं होंगे। भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इसकी PPF हो रखी है इस गाड़ी के ऊपर। लाइट जो DRL इसमें जलती है ना, बहुत ही प्यारी लगती है, और लाइट का जो इसका एंगल है वो बहुत ही क्लासी एंगल है, आपको बिल्कुल भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी कि आपको रोड दिख नहीं रही है, किसी भी टेरेन में आप इजीली इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बट गाड़ी को लेने के लिए 1,30,00,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए, या फिर 25% आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, बाकी लोन करा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और आगे आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हो कि आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना है। मुझे DMs आए थे डिफेंडर के लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करी है, आगे भी कोई गाड़ी का अगर आप बोलोगे तो हम अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।